डोडा जिले के ठाठी में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण बटोत किश्तवाड़ राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। इस दौरान डीसी डोडा ने कहा कि यातायात को बहाल कर दिया गया है और आंतरिक सड़क संपर्कों को साफ करने के प्रयास जारी है। लगभग बीती रात 3 बजे के लगभग अचानक आई बाढ़ ने ठाठरी के पूरे बाजार क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। राजमार्ग के किनारे कई आवासीय घर, बिल्डिंग्स और पार्क किए गए वाहन मलबे में दब गए। वहीं डीसी हरविंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीती रात 3 बजे के लगभग अचानक आई बाढ़ के बाद सभी सड़कों को यातायात के लिए बहाल अब कर दिया गया है। बाकी बिल्डिंग्स में घुसे मड स्लाइड्स को साफ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। देखिए, बीती रात ठाठरी के अपर एरियाज में बारिश ज़्यादा होने के कारण एक नाले में थोड़ा पानी ज़्यादा आया था और उस वजह से क्या हुआ है कि मड स्लाइड आया है जो कि कुछ कलवर्ट्स को भी क्लॉग कर गया और कुछ घरों में एंटर कर गया था। तो उसमें फौरी कार्रवाई की गई, सारी रोड्स को क्लियर कर दिया गया है और जो हमारे लोग हैं, कोई तकरीबन 10 घर हैं और एक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बताई जा रही है उसके अंदर मड स्लाइड आया है, तो उसको क्लियर करने में हमारी टीम्स और लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी तक सुबह से काम चल रहा था, अब तक सबने क्लियर कर लिया हुआ है। इसके अलावा हमारे ADC साहब को हमने वहाँ पे स्टेशन किया है, लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे बैठे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर एक घर को उन्होंने विजिट किया है अलॉन्ग विद EO म्यूनसिपैलिटी, BDO, तहसीलदार एंड ऑल स्टाफ। तो जो भी डैमेजेस हैं उसकी असेसमेंट की जा रही है। जो मुझे बताया गया है कि बहुत माइनर सी डैमेजेस हैं बट फिर भी जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं उनका सब ख्याल रखा जाएगा। मेरी SDRF टीम से वो वहाँ पे गई हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आज ही सॉल्व हो जाएगी और हमारे लोगों की जो भी ज़रूरतें होंगी उसको पूरा किया। नहीं देखिए, ये एक मड स्लाइड था, ये कोई ऐसा प्रेशर से नहीं था, बहुत स्लोली ये मूव किया तो ऐसा कोई खतरा है नहीं, बट फिर भी हमारी टीम वहाँ लगी हुई है, अगर किसी को कोई भी खतरा हो तो प्लीज़ हमें बताएं।